ग्वालियर में बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट स्तर के अधिकारियों का एक पुलिस के साथ इंटरेक्शन प्रोग्राम कंट्रोल रूम में आयोजित किया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के इन अधिकारियों को पुलिस की वर्किंग सहित उसके सूचनाओं के आदान प्रदान, पुलिस लाइन में जवानों के प्रशिक्षण, वाहनों के रखरखाव और थानों की फंक्शनिंग को परखा और समझा जाएगा। पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल ने बताया कि ये प्रक्रिया एक बेहतर समन्वय के लिए अक्सर आयोजित होती रहती है, जिसमें बीएसएफ और पुलिस को कई बार अलग अलग मोर्चों पर एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। ऐसे में वे एक दूसरे की कार्यप्रणाली को नज़दीक से जानने एवं परखने और बेहतर समन्वय स्थापित करना बेहद ज़रूरी होता है। आज बीएसएफ के अधिकारियों का, जो असिस्टेंट कमांडेंट लेवल के अधिकारियों का इंटरेक्शन है, यहाँ पे ओरिएंटेशन का कोर्स है पुलिस के साथ में, तो ग्वालियर पुलिस के साथ में उनका अभी इंटरेक्शन चल रहा है। उसके बाद ये सभी थानों में जाएंगे, तो थानों में पुलिस वर्किंग कैसी क्या रहती है ये देखेंगे। कल इनका पुलिस लाइन का काम कैसा है, कंट्रोल रूम का क्या काम है, पुलिस कैसे वर्क करती है, और सीनियर अफसरों से इंटरेक्शन भी होगा। ये बेसिकली दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए है, बॉर्डर पे और बाकी जगहों पे रहते हैं ड्यूटी में सीनियर अधिकारी होते हैं, तो इनको पुलिसिंग का आइडिया रहे, पुलिसिंग में किस तरह से रिपोर्ट कहाँ लाइजन करना है, क्या स्ट्रक्चर है पुलिस का, कैसे फंक्शनिंग होती है, और क्या सीसीटीवी सॉफ्टवेयर है पुलिस के, उनके बारे में जाएंगे।